चाहिए है। आप तमाम दुकानदार भाइयों को, ठेला रिक्शा चलाने वालों को, टेकर टेम्पो चलाने वालों को और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने वाले जिले के सभी नागरिकों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय हिंद, सलाम करता हूँ। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस नामांकन के कार्यक्रम में हमारे बाहर से भी कुछ अतिथि आए हुए हैं, लेकिन एक मजेदार बात आप जान लीजिए, नामांकन करवाने के लिए कुछ बाहर से अतिथि आए हैं। भाजपा की तरफ से नामांकन एक अतिथि कर करके गए हैं, यह बात आप जान लीजिए। गिरिराज जी अतिथि है कि नहीं है? कहाँ से आए हैं? दोस्तों, हमारे जो अतिथि आए हैं बाहर से, साथी दिनेश मेवानी, शहला राशिद, रामा नागा, तीसरा शीतलवार, रजीत की अम्मी फातिमा नफीस और कई ऐसे लोग जो यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। साथी गुरमेहर ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपके ही जिले की पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी साथी अंशु आई हुई है और जेएनयूएसयू की अभी की जो उपाध्यक्ष है सारिका चौधरी, वो भी बिहार की ही बेटी है, वो भी आई हुई है और ऐसे कई लोग आए हुए हैं जो मंच पर हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नेपथ्य में है, मंच के पीछे है, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। आप देखो गजब संयोग, जय दिन गिरिराज जी के नामांकन भरल दिन तब तक होगा, आ जय दिन हमने के लिए भरल है, मौसम सुहाना भ कहीं गिरिराज बाबू ही देखे की भगवान इंद्र भी देशद्रोही होते हैं।